महाराज सुग्रीव, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अति शीघ्र अपनी सेना के साथ यहाँ से लौट जाएं। दिशाहीन युद्ध करके स्वयं को क्षति पहुंचाने से अच्छा है युद्ध से पलायन करना। महाराज सुग्रीव, प्रभु, मैं संपूर्ण वानर सेना की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, हैं तो सब वानर बुद्धि ही ना, आप चाहे तो इस मूर्खता के लिए हमें कठोर से कठोर दंड दें, किंतु यहां से वापस जाने जैसा दंड ना दें। यहां से वापस जाने से अच्छा तो होगा कि हम अपने जीवन का अंत कर दें। प्रभु प्रभु, हम अपनी देह का त्याग कर सकते हैं, परंतु आपको इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। प्रभु, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। प्रभु, प्रभु, वानर स्वभाव चंचल होता है, इसलिए भूल हो गई इनसे। पहली भूल समझकर क्षमा कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु, आगे से संपूर्ण वानर सेना आप ही के बनाए हुए नियम और आदेशों का पालन करेगी। प्रभु, सागर हम मूढ़ बुद्धि सब भालू वानर, भक्तों से राघव हुई भूल भारी, दंड के हम उद्दंड अधिकारी। किंतु ना ऐसा क्षमाशील कोई, करुणा करा पंकज पद के सोई, करबद्ध हम है क्षमा दो कृपाला। हे दीन बंधु दीन दयाला, श्री राम जय राम जय राम भजमन, जय नाथ निर्गुण पाप निकंदन। उठिए मित्र सुग्रीव। आप सबको प्रतीत हो रहा होगा कि मैं कुछ अधिक ही कठोर हो गया हूं। इस युद्ध को विजित करने के लिए और अपने सैनिकों के जीवन को अनावश्यक हानि से बचाने के लिए हमें कठोर नियमों एवं अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। हाँ हाँ प्रभु, हम आपके द्वारा निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेंगे। प्रभु, हाँ हम पालन करेंगे। प्रभु, पालन करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे। उचित है तो अब हमें कल होने वाले युद्ध के लिए नियम एवं रणनीति का निर्धारण कर लेना चाहिए। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। विभीषण जी, आप तो रावण के बारे में सब जानते हैं, आप ही बताइए सर्वप्रथम वो क्या करेगा, कौन होगा उसका प्रथम लक्ष्य?
राजा रावण चतुर है। उनका प्रथम एवं सर्वपरि लक्ष्य होगा आपका एवं भ्राता लक्ष्मण का वध करना, जिससे युद्ध के आरंभ में ही युद्ध का अंत हो जाए। क्षमा करें विभीषण जी, आज रावण ने जो हमारी विशाल वानर सेना का उत्साह, ओज और शक्ति देखी है, उसे ध्यान में रखते हुए वो सर्वप्रथम उस शक्ति और उत्साह को निष्क्रिय करने का प्रयास करेगा। और किसी भी सेना की शक्ति उसके राजा से होती है, अतः उसका सर्वप्रथम लक्ष्य महाराज सुग्रीव हो सकते हैं। सुग्रीव ही होगा हमारा प्रथम लक्ष्य, उसके अंत के साथ ही उसकी विशाल सेना का भी अंत, और उसके पश्चात वो वनवासी नर अपने घुटनों पर चलता हुआ आएगा हमारी शरण में। ये है संपूर्ण वानर सेना। आप चिंतित ना हो महाबली, मैं स्वयं जाऊंगा उस सुग्रीव का अंत करने। हनुमान का अनुमान सत्य है। महाराज सुग्रीव की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, अतः महाराज सुग्रीव सदा सेना के मध्य में ही स्थित रहेंगे और उनके निकट हमारे महाबली योद्धा विभिन्न सुरक्षा पंक्तियां बनाकर इन्हें चारों ओर से घेरे रहेंगे। नहीं प्रास्त, तुम नहीं, हमारे लक्ष्य योद्धाओं में अनेक तरुण योद्धा है, जिनमें से एक है महाविनाशक योद्धा अग्नि केतु, जो क्षण भर में अपने रसायन से जलाकर किसी को भी भस्म कर सकता है। ये अग्नि केतु उन सभी वानरों को पिघला कर भस्म कर देगा जो सुग्रीव की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैं स्वयं महाराज सुग्रीव की सुरक्षा में रहूंगा और मेरे साथ लक्ष्मण भी रहेंगे। हम महाराज की निकटतम पंक्ति में रहेंगे। हमारे धनुर्धारी होने का अतिरिक्त लाभ हमारी आगे वाली उस सेना को प्राप्त होगा जो आगे जाकर तीन भागों में बटी हुई होगी, जिसका नेतृत्व हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा करेंगे। तो ठीक है, प्रभु श्री राम की सामने वाली पंक्ति का नेतृत्व मामा श्री जामवंत और युवराज अंगद करेंगे, और उनके सामने आने वाले शत्रु को ढेर करने के लिए आगे होंगे महाबली नल, नील और सुषेण जी, और उनके पीछे दूसरी पंक्ति में गवई, गवाक्ष और गंधमादन। कितु स्मरण रहे, भ्राता रावण आकाश एवं पाताल से भी आक्रमण करने की क्षमता रखते। यदि प्रभु का आदेश हो तो मैं किसी ऐसे उच्च शिखर पर स्थिर रहूंगा जहां से दोनों ओर होने वाली गतिविधियों पर दृष्टि रख सकूं। भ्राता रावण क्रूर है, वो भरभर एवं महाविनाशकारी आक्रमण करके महाराज सुग्रीव को क्षति पहुंचा सकते हैं। सत्य कहा आपने महाराज विभीषण, किंतु हनुमान रावण के किसी भी बर्बर आक्रमण को
सफल नहीं होने देगा। और तब हमें महाविध्वंस फैलाने वाला एक ऐसा योद्धा चाहिए जो समस्त वानरों को तितर बितर कर दे, इससे सुग्रीव के वध का मार्ग सुगम में हो जाए। भ्राता लंकेश, इस कार्य के लिए यज्ञकूप को भेजा जा सकता है। यज्ञकूप के भीषण चिंगाड़ के उठने वाली तरंगे इतनी घातक है कि निकट में खड़े वह बड़े से बड़े योद्धा के कण फट जाते हैं। उत्तम, अति उत्तम। यज्ञकूप को उचित समय पर हम आक्रमण के लिए भेजेंगे, जिससे कि समुचित रूप से ध्वंस हो सके इन वानरों का। अब प्रश्न ये उठता है कि कल होने वाले युद्ध का नेतृत्व इस महाबली योद्धा को सौंपा जाए। वैसे तो सेना के नेतृत्व के लिए भ्राता कुंभकर्ण ही भ्राता रावण का प्रथम चुनाव हो सकते थे, क्योंकि वो महाशक्तिशाली महाविनाशकारी शक्तियों से संपन्न है, किंतु वो इस समय इंद्रामग्न होंगे। किंतु विभीषण जी, मेरे विचार से रावण किसी पर विश्वास ना करके स्वयं युद्ध करने के लिए आगे आ सकता है। नहीं, जब तक अति आवश्यक नहीं होगा रावण स्वयं को संकट में नहीं डालेगा। वो अपने ही समान किसी शक्तिशाली महाबली योद्धा का चुनाव करेगा। मेघनाद पर उसे पूर्ण भरोसा है, वो कल युद्ध के लिए उसे ही नेतृत्व के लिए भेजेगा। मेरे प्रिय पुत्र मेघनाथ, कल युद्ध में सेना का नेतृत्व तुम करोगे। शत्रु सेना का नाश करके लंका की धूल में मिला दो उन तुच्छ वानरों और उस वनवासी नर को। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताश्री, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कल इसी समय उन मूर्खों पर विजय प्राप्त करके हम विजयोत्सव मनाएंगे। किंतु स्मरण रहे पुत्र, तुम्हें सावधान रहना होगा उस द्रोही विभीषण से, क्योंकि मैं उन सभी दानवों के भेद उनकी मायावी शक्तियों से भली भांति परिचित हूं जिन्हें भ्राता रावण भेज सकते हैं। अतः विभीषण जी, आपको सेना के तीनों टुकड़ियों के कहीं मध्य में ही स्थित होना चाहिए, जिससे कि आप सबको सतर्क कर सकें कि किस रक्ष योद्धा का सामना किस प्रकार करना है। हनुमान का सुझाव उचित है, आप सबके मध्य में ही स्थित होंगे। सत्य पिताश्री, मैं अपने साथ महाबली महामायावी योद्धा क्रांता को ले जाऊंगा। काका श्री विभीषण को भी इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं। मुझे भी कुछ ज्ञात नहीं है क्रांता के बारे में युवराज, क्योंकि वो पाताल लोक में भी गुप्त रूप से ही निवास करता है। वो एक महाविनाशक राक्षस है। क्योंकि उसकी देह में प्रचंड ज्वाला है जो सदैव धधकती रहती है। वह अपनी इच्छानुसार अपनी देह से कहीं भी संहार करी विस्फोट करने की शक्ति रखता है। अर्थात मात्र उसको एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि विस्फोट होने से उसकी देह टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी।
नहीं काका महापार्षद, उसमें एक विचित्र अकल्पनीय शक्ति है। इसके देह के टुकड़े होने के बाद स्वतः ही पुनः स्थापित हो जाते हैं। उसकी देह के टुकड़े स्वतः ही जुड़ जाते हैं और वो पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। हाँ पिताश्री, कल के युद्ध में अक्रांता ही मेरा प्रमुख शस्त्र होगा। तो कल प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही उन वानरों के जीवन की उल्टी गणना आरंभ हो जाएगी। कल ही समाप्त कर देंगे हम उन तुच्छ वानरों को। क्षण है ये, एक और धर्म है तो दूसरी ओर अधर्म, एक और मर्यादा है तो दूसरी ओर अहंकार, एक और विशुद्ध भक्ति है तो दूसरी ओर आसुरी शक्ति। इनके मध्य होने वाले भीषण महासंग्राम का साक्षी कौन नहीं बनना चाहे। क्या सोच रही हैं देवेश्वरी कि सदैव ध्यान योग में लीन रहने वाले महायोगी भी अपना ध्यान छोड़कर इस महासंग्राम को इतनी रुचि से क्यों देख रहे हैं? ये कोई साधारण संग्राम नहीं है देवेश्वरी, पाप और पुण्य के मध्य होने वाला ये धर्मयुद्ध संसार के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होने वाला है। देखिए ना, एक ओर मेरे आराध्य श्री राम है और दूसरी ओर मेरा ही महाभक्त रावण है, और इस युद्ध को निर्णायक मोड़ देने वाले भी तो मेरे ही रुद्रांश हनुमान है। ऐसे युद्ध को तो आप भी पूर्ण रुचि के साथ देखना चाहेंगी देवी। जब हम इस युद्ध को लेकर इतने व्याकुल हैं तो कल्पना कीजिए कि देवी सीता के हृदय पर इस समय क्या बीत रही होगी। विघ्न है अमला, कभी मन कहता है कि प्रभु शीघ्र यहाँ आकर दुष्ट लंकेश का संहार करके मुझे यहाँ से ले जाएंगे, कभी मन आशंका से भर उठता है कि कहीं
कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। इस युद्ध का एक एक पल मुझे व्याकुल कर रहा है अल्लाह। ये युद्ध मात्र सीता की मुक्ति के लिए नहीं, अपितु अधर्म के चंगुल से धर्म की मुक्ति है इसका उद्देश्य। युद्ध विनाशकारी होता है, इसलिए मैंने उसे टालने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु पाप कर्मों से कांपती हुई धरा का संतप्त हृदय पापियों के रुधिर से ही शांत होगा। अब बस प्रतीक्षा है तो सूर्य देव के उदित होने की, उनकी प्रथम किरण का दर्शन उद्योष होगा पापी रावण और उसके कोटि कोटि राक्षसों के अंत का। आज के सूर्य से उदित होने वाली प्रथम किरण कहीं मेरे हृदय को अंधकार से न भर दे। सफलता उचित योजना पर निर्भर करती है।